मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ महंगाई के बारे में और साथ ही साथ जो फ्री बीज का कल्चर है जिसको लेके सरकार आगाह की है और कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे पे आक्षेप भी कर रही हैं कि जो फ्री बीज का कल्चर है ये आपका गलत है, भले मैंने जो किया वो सही रहा हो। तो बाय द वे ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भारत की अथॉरिटी रही है तो श्रीलंका जैसी जो क्राइसिस हुई है उसको आगाह कराया है कि हम भी उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो ये चलिए कुछ दिनों का मुद्दा हो गया है, लेकिन आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि महंगाई का इससे क्या ताल्लुकात है। कुछ टाइम पहले मैं वीडियो लाया था और आपको बताया था कि अगर ये फ्री बीज का कल्चर बंद नहीं होता है, फ्री बीज कोई गलत चीज़ नहीं है जबकि ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया न कराई जाएँ, क्योंकि हम एक कल्याणकारी सरकार हैं और इसका सभी समर्थन करते हैं। बशर्ते कि अगर मान लीजिए कि आप मुफ्त का लाइक 80 करोड़ पीपल को अबाउट मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को अगर आप मुफ्त का अनाज, मुफ्त का इलाज, मुफ्त की सारी चीज़ें देने की बात करते हैं या दे रहे हैं, एक तरफ तो ये बात सही है लेकिन कब तक आप देंगे। एक तरफ वो सर्विसेज, वो चीज़ें, उन प्रोडक्ट्स के दाम, उन सर्विसेज के दाम महंगे होते जा रहे हैं, महंगाई एक तरफ, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और यह बात सदन में चाहे जो भी बोला गया हो लेकिन आरबीआई की जो नीति रही है या फिर आरबीआई के जो लेक्चर्स रहे हैं ऑफ अथॉरिटीज़ लाइक शशिकांत दास जी, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने 3 महीने में 3 बार रेपो रेट या ब्याज दरें इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि बाज़ार में कुछ ऐसा चल रहा है कि लोगों के पास ज़्यादा या तो रुपये है जिस वजह से वो ज़्यादा परचेसिंग पैरिटी रखते हैं और उत्पादन जो एक तरफ कम है तो चीज़ों के दाम ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ समाज का एक ऐसा तबका है जो उन चीज़ों को अवेल नहीं कर सकता, वो गरीबी रेखा के नीचे नीचे ही जा रहा है और ये रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ये रिपोर्ट्स बोलती हैं। तो बात ये देखिए है क्या कि एक तरफ अगर महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रेपो रेट की वजह से कुछ हल्का नियंत्रण कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, जो AICPI इंडेक्स है कुछ महीने पहले का उसमें कुछ गिरावट आई है, अप्रैल में सबसे ज़्यादा बढ़ गया था, मई में कुछ घटा, जून में काफ़ी ज़्यादा घट गया, 0.2 पॉइंट्स ओनली इंक्रीज़ हुआ है जबकि अप्रैल में 1.7% ही इंक्रीज़ हुआ था। तो बाद में देखिएगा ये काफ़ी बड़ी अपडेट है आरबीआई की ही और काफ़ी बड़ा कदम है कि 3 महीने में 3 बार रेपो रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे, मीन्स कि 1.4% इंक्रीज़ कर दे। इससे पहले अप्रैल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट रखा था या फिर जिस रेट पे वो बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रही थी आरबीआई, वो कहीं ना कहीं ओनली 4% था, जो कि आज के हिसाब से अगस्त, आज के हिसाब से या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही इसे बढ़ा के कहीं ना कहीं 1.4% बढ़ा के 5.4% कर दिया गया था। और तो देखिएगा बात ऐसी है कि बहुत सारी वजह हो सकती हैं महंगाई बढ़ने की। होता है कई बार किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में कई बार अगर वहाँ पर आंतरिक सिचुएशन सही ना रहें, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, दंगे हो जाए, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है या फिर उत्पादन रहता है वो प्रभावित होता है और कुछ पल के लिए वहाँ के दाम बढ़ गए होते हैं। लाइक कि अगर आप देखें जो सब्ज़ी मंडी रहती है तो कई बार अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, सब्ज़ी ख़राब हो गई या फिर रास्ता ब्लॉक हो गया, कुछ दिन तक मंडी पर सब्ज़ी नहीं आ पाई, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ये वैश्विक स्तर पर हो तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस सब चीज़ को इंसान समझता है, जानता है कि महंगाई इस वजह से बढ़ती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार, जिसको आप ब्लैक मनी नाम देते हैं। इसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था जो 2014 का इलेक्शन था, लेकिन उसके बाद से पता नहीं मुद्दा कहाँ गायब हो गया। रिसेंट में एक अपडेट है जो अर्पिता मुखर्जी हैं एंड पार्थ चटर्जी हैं, ये वेस्ट बंगाल के TMC के लीडर रह चुके हैं पार्थ जी और वहाँ के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं लिंक रहा है अर्पिता जी से। और इनके यहाँ जब ED ने छापा मारा तो 50 करोड़ का ओनली कैश, जो कि 2000 की नोट, 500 की नोट, सबसे ज़्यादा 2000 की नोट उनके यहाँ पाई गई। काफ़ी टाइम लगा गिनते गिनते। ऐसे भोपाल में IAS कपल्स रहे हैं कुछ टाइम पहले, उनका भी यही था कि इतना करोड़ों की संपत्ति उनके पास पाई गई है, ब्लैक मनी, सोने चांदी क्या क्या नहीं, जो बिस्किट्स रहते हैं सोने के, कैश का बिल्कुल भंडार लगा रहता है, आए दिन आप देखते होंगे जितने भी छापे पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाने के पीछे इनका भी एक राज रहता है, इनका भी एक योगदान रहता है। देखिएगा कैसे RBI जो रुपए छापती है या फिर जो रुपए बनाती है
वो कहीं ना कहीं इस आधार पे बनाती है कि मार्केट में कितना मनी है या नहीं है। जब कोई, अगर मान लीजिए मैं आपके हक का पैसा, सरकार या जनता का पैसा किसी तरह से करप्शन से लूट के घर में भंडार लगा लूँ, सारा का सारा पैसा बाजार का मैं चोरी डकैती करके अपने पास रख लूँगा, तो बाज़ार में वो पैसा कम हो जाएगा। RBI को पता है, सबको पता है कि ये रुपये कहीं ना कहीं तो गया है, कहाँ गया है नहीं पता। जो ज़िम्मेदार हैं, जो उसका रखवाली करते हैं, जिसकी दायित्व तो बनता है, जिसका ज़िम्मेदारी होता है कि वो उन ज़रूरतमंद को वो रुपए दें किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो मार के रुपए बैठ जाते हैं, तो RBI ऐसे में रुपए छापती है। या फिर ऐसे टाइम पे यदि सरकार के पास कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए रुपये नहीं होता, तो सरकार आप पे और हम पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, क्योंकि कई बार आप सुने होंगे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हमें डेवलपमेंट करने के लिए रुपए की ज़रूरत होती है, तो हम पे ही वो टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है। जो हम चावल दाल 10 या 15 रुपए का थोड़ा सा खरीद रहे होते हैं, वो अब 20-30 रुपए का मिल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस वजह से हम पे कई बार टैक्स लगाती है, जो कि एक हिसाब से जायज़ है, लेकिन जो दूसरी तरफ करप्शन हो रहा है, ब्लैक मनी जो इकट्ठा कर रहा है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो ये आम बात है, मैं कई बार अगर लोगों के बीच में रहता हूँ, सुनता हूँ, बोलते हैं अरे भाई सरपंची का चुनाव है, इतना 5 करोड़ 10 करोड़ पीट लेगा। तो आम जन या फिर आप उसके समर्थक होते हैं, इस वजह से आप देश तरक्की नहीं देख पाते। लेकिन अगर आप असल मानों में समझें, तो अगर आपके गांव का पंच सरपंच से लेके अगर कोई भी ब्लैक मनी की बात करता है या फिर करप्शन की बात करता है, जो कि आपका पैसा या हम सबके टैक्स का पैसा होता है, वो कहीं ना कहीं बाद में जाके रिजल्ट करेगा महंगाई को, वो महंगाई को बढ़ाने वाला है। और एक तरफ यदि आप मुफ्त की चीज़ें पा रहे हैं और करप्शन को या फिर इस पर जो टास्क होती है, जो बातें होती हैं कि सरपंच जी तो 5 करोड़ कमा लेंगे, हमें भी कुछ मिल जाएगा, तो बाद में चल के जो आपका फ्री वेज मिल रहा है या फिर जो आप मुफ्त की चीज़ें ले रहे हैं, तो महंगाई से वो काउंटर नहीं कर पाएगा और हार आपकी होगी। इसीलिए हर एक बुरे काम का एक बुरा ही परिणाम रहता है। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद होता है कि आए दिन अगर आप छापों के बारे में देखें, तो इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से लेके अगर प्राइवेट कोई प्लेयर्स हैं, उन सब के पास या फिर पॉलिटिकल जो एंटिटीज़ हैं, उन सब के पास ब्लैक मनी का, काले धन का अंबार लगा रहता है, जिसका वो लेखा जोखा सरकार को नहीं देते हैं। मतलब हमारी क्या अर्निंग है, हमारे पास कितना रुपये है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन हमने आम लोगों का, गरीबों का पैसा कितना जमा किया है, अपने पास कितना रखा है, ये दूसरी बात रहती है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्केट में रुपए की कमी आ जाती है और महंगाई बढ़ती जाती है। लेकिन ये लोग जो करप्शन करते हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, इतने ताकतवर होते हैं, इनका संघ इतना मजबूत होता है, क्योंकि हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक सिटी, हर एक कस्बे से लेके बड़े बड़े महानगर तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं महंगाई को या प्रोडक्ट्स की कीमतों को मैनिपुलेट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं ऐसी वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँगा, आप हमसे बनिएगा। धन्यवाद।